इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात में पुल हादसे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में उन्होंने घायलों का हाल जाना, साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार से एसपी ऑफिस में मिले। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। इससे पहले मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जगह का भी मुआयना किया। मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दावा किया है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर से मदरसों को लेकर शुरू हुआ सर्वे पूरा हो गया। पूरे प्रदेश में करीब 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे में मदरसों की आय के स्रोत और इन्हें संचालित करने वाली संस्था सहित वर्तमान स्थिति के बारे में सवाल पूछे गए थे। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस की ओर से वाई प्लस सुरक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के गृह विभाग की समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया है। पिछले दिनों अभिनेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वह ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है और जो महात्मा गांधी का देश है। बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि दुनिया को जब एहसास होता है कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं वे कैसा सम्मान देते हैं। राजधानी दिल्ली के हरिनगर थाना इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी और घर में काम करने वाली मेड की हत्या कर दी। हत्यारे सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। मृतक दंपति की 2 साल की बच्ची घर में सकुशल मिली है। 55 साल पुरानी कपूर वॉच कंपनी के करीब 20 परिसरों पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की। बता दें कि कपूर वॉच कंपनी रोलेक्स और टैग ह्यूअर जैसे ब्रांड्स की रिटेलर भी है। हाल ही में फिल्म स्टार रणबीर कपूर ने कंपनी के भव्य कार्यक्रम में भारत के पहले सीमित संस्करण फ्रैंक मुलर वेरिएंट का अनावरण किया था। अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में आज श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 148 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। बुधवार को भारत के खिलाफ होने वाले अहम मैच के पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप की फेवरेट बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से कहा है कि वो यह सोचकर मैदान पर उतरें कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश यहाँ वर्ल्ड कप जीतने नहीं आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शासनाध्यक्षों की SCO परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हमें मध्य एशियाई देशों के हितों को देखते हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।